नमस्कार भाई और बहनों, भाई और बहनों, आप इस वीडियो में सीखोगे कि हम कैसे लैपटॉप की हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क केसिंग में लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये हार्ड डिस्क है हमारे लैपटॉप की, इसको कहते हैं साटा हार्ड डिस्क। तो अब इसका, जैसे हमारा, मान लो कि हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया और हमने इस हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लिया, अब इसका डाटा कैसे कॉपी करेंगे और कैसे क्या करना है, तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और एंड तक देखना है कि इसमें कैसे करते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो है, ये जो आपको दिख रही है, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क केसिंग लैपटॉप। ये आपको मार्केट से परचेज करके लानी है, ये भी नहीं है, फ्रेश है, पैक है। तो इसको क्या करते हैं, इस हार्ड डिस्क को हम इसमें लगाएंगे, ये जो चीज़ है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रहे देखना है, ये देखो, ये जो है ऐसे बैठ रही है, तो ये ऐसे ही लगेगी और इसको ऐसे बैठाना है, ऐसे लगाना है। ऐसा लगाने के बाद इसको आपको कंप्यूटर के साथ लगाना है, कंप्यूटर में इसका कैसे डाटा कॉपी करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं। आपने देखा कि हमने इस हार्ड डिस्क को लगा दिया है। अब इसके साथ एक यूएसबी केबल आती है, तो यूएसबी केबल का भी मैं आपको बता दूँ, ये इसका कवर है। तो इसको कहते हैं मोबाइल हार्ड डिस्क, मोबाइल हार्ड डिस्क भी कह सकते हो, एक्सटर्नल केस एनक्लोज़र, ये केबल है। इस केबल को हमने इसमें लगाना है, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं। सभी ने ध्यान से देखना है इसको हमने कैसे लगाना है, कैसे इसको कंप्यूटर के साथ, हमने लैपटॉप, कंप्यूटर हो लैपटॉप, उसके साथ आप अटैच कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो केबल है, जिधर दो कनेक्शन होते हैं वो उधर की तरफ से ही लगती है। तो आपने इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, इसमें लगाना है, और अब हमने इसको कनेक्ट करना है। मान लो कि इसको हमने ये कनेक्ट किया है, तो इसको ऐसे लगाना है, उसके बाद इसको हमें डेस्कटॉप के साथ अटैच करना है। अभी आप देखोगे कि हमने इसको लैपटॉप के डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया इस तार को। इसके बाद अब ये देखोगे इसके साथ ये रेड लाइट आ रही है, तो इसको पावर मिल गई है, तो अब ये कंप्यूटर में लग गई है। तो अब कंप्यूटर में हम इसका डाटा कैसे कॉपी करेंगे, सभी ने ध्यान से देखना है। तो ये आप देख रहे हो, ये हार्ड डिस्क बूट हो गई है, तो ये न्यू वॉल्यूम एच आ गया है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। अब दो ड्राइव है इसमें, तो हमने क्या करना है, ये जी ड्राइव बता रहा है और एच ड्राइव बता रहा है। तो हमने माय कंप्यूटर में जाना है, इसको ओपन करना है, उसके बाद अब यहाँ पर कैसे हम पता करें कि कौन सी हार्ड डिस्क के ड्राइवर, कौन से हमारे कंप्यूटर का ड्राइवर। सबसे पहले हमने एफ़ के अंदर गए, तो एफ के ड्राइव के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि ये इसका ड्राइव है, इस कंप्यूटर का। तो इसका जो ड्राइव है जी और एच, इसको हम ओपन करेंगे। एक ड्राइव के अंदर विंडोज़ है और दूसरे ड्राइव के अंदर डाटा है, तो हमें इस ड्राइव का भी डाटा कॉपी करना है, इसका भी डाटा, मगर इससे हमें अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा ड्राइव है इसका है। इसके लिए हमें माय कंप्यूटर पर जाना है, ये माय कंप्यूटर है, और इस पर हमने, तो माय कंप्यूटर पर जाकर हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इसमें हमें जाना है डिवाइस मैनेजर। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि हार्ड डिस्क ये है, यू एस बी आ गई है और डब्ल्यू डी सी आ गई है। इसमें एक और ऑप्शन है, हम इसमें जाएंगे मैनेज में, माई कंप्यूटर के ऊपर टिक करेंगे, मैनेज पर जाएंगे, माई कंप्यूटर मैनेज, इस पर हम चले गए। इसके बाद मैनेज के बाद आप चले जाओगे इधर डिस्क मैनेजमेंट में, अब आपको ड्राइव देखना है कौन सा इसका है। हमने जो हमारे कंप्यूटर के ड्राइव है वो है सी डी डी ई एफ, ये हमारे कंप्यूटर के हैं,
और ये जो देख रहे हैं आप नीचे 13 GB, 146 GB और 138 GB, ये एक्स्ट्रा इसके हैं जो हमने हार्ड डिस्क लगाई है। तो हमने क्या करना है, इनका ड्राइव डाटा कॉपी करना है, जी और एच का। ये जी है और ये एच है। तो सबसे पहले हम माई डॉक्यूमेंट का डाटा कैसे कॉपी करेंगे, हम इसको खोलेंगे। इसमें हम यूज़र के ऊपर जाएंगे। यूज़र के ऊपर जाने के लिए हमें ABC के ऊपर जाना है, इसको हमें कंटिन्यू करना है। अभी आप ऊपर देखोगे धीरे धीरे कॉपी हो रहा है, ओपन हो रहा है। इस डाटा को हमने, ये इसमें जो डाटा आएगा वो डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट और डाउनलोड एडर सारा डाटा जाएगा। और जो हमारा एच का डाटा है वो हम एच का डाटा वहाँ से उठा लेंगे। तो ऐसे हम इसका डाटा कॉपी करते हैं। तो अभी आपको बता रहा हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे। ये आपने देखा, ये आ गया। आपने क्या करना है, इसको सारे को कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लिया और फिर हमने इसको, जैसे ये हमारे पास ये ड्राइव है 21 GB का, मेरी अपनी हार्ड डिस्क है, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया न्यू, राइट क्लिक किया फोल्डर और ये है डाटा, क्योंकि हमने नाम DDDD, तो डाटा हो गया। ठीक है, हमने DD के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ये तो हमने माई डॉक्यूमेंट का डाटा कॉपी कर लिया, ये बता रहा है 1.5 GB है। इसके बाद हमने H का डाटा कैसे करना है, आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि अगर हमारी लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे हम एक्सटर्नल बनाकर डेस्कटॉप से डाटा कॉपी कर सकते हैं। हम H पर गए, H में बता रहा है कि 138 GB है। तो टोटल हमें क्या करना है, H में जाना है, फिर से बताता हूँ। माई कंप्यूटर में चले गए, हम माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक कर दिया है। फिर हमने एच ड्राइव है, इसके ऊपर हमने डबल कर दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, सारा ही डाटा कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने फिर जाना है अपने एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव के अंदर हमारे पास स्पेस है, तो हमने क्या करना है, एफ ड्राइव के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर, और फिर हमने ये इसका नाम हमने एच रख दिया, ऐसे हमने कॉपी करके, हमें याद रहे, तो इसको हमने एच रखकर इसमें हमने पेस्ट कर दिया। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हम अपने कंप्यूटर का डेस्क, अगर हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो उसका डाटा कैसे कॉपी करते हैं। ऐसे हम आज कॉपी करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।